सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के मुर्दा दिलों को दे जिला हादी الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی صلو على الحبیب یہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے اس کے صفحہ 8 پر ہے اس رسالے کے صفحے صرف 16 इसमें 40 हदीस से फजीलत की हैं और दुरूद ना पढ़ने के नुकसानात पर 8 फरामीन नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के 5 इरशादात 40 फरामीन नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये रिसाला तो अल्लाह करे सबने पढ़ा हो बल्कि हो आपके पास बहुत प्यारा रिसाला दुरूशी पढ़ने का शौक बढ़ेगा इससे और ये दुरूद पाक जो मैंने अभी हदीस में फजीलत बयान की ये जुम्मे रात को अपने इज्तिमा में भी पढ़ाया जाता है तो अल्लाह करे कि आपको याद भी हो रिसाला खरीद लें और याद कर लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अनज़िलहु अल मक़अद المقربة عندك يوم القيامة اب یاد ہوا کسی کو اتنی جلدی نہیں ہوگا یاد انشاءاللہ اب یاد کریں گے تو ہو جائے گا ایک اور دعا جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کو شب قدر گویا اس نے پائی یہ کسی کو یاد ہے بابا جانے جو آپ نے دعا تعلیم فرمائی تھی وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم یہ الحلیم الکریم جو ہے یہ جب اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں سکتے کر کے تب یہ الحلیم الکریم ورنہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم یہ عظیم کا زوا جو ہے نا ان کا یہ خطرے والا ہے یہ زا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو معنی ہی فاسد ہو جائیں گے زوا پڑھ رہا ہوں بابا جی زوا پڑھا تھا جی آپ کے اس میں خیال کے مطابق جی مخارج کی تھوڑی ہے دعا تھوڑی نہیں بہت بڑی کمی ہے یہ اگر عظیم پڑھا تھا تو ہم کو تو عظیم سننے میں آیا تھا زوا بھی نہیں ہے نا زوا یہ پر نکلتا ہے اور زبان جو ہے نا یہ نوک لگتی ہے عظیم 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 نہیں عظیم بھی نہیں عظیم یہ زا یہ نہیں نکلنا چاہیے ورنہ معنی فاسد ہو جاتے عظیم سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں ان کو وہ بالغان کے مدرسے میں ضرور یہ داخلہ
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फैज़ान मदीना में जब हमारे इस्लाम भाई तरबियती कोर्स के लिए, नमाज कोर्स के लिए, मदनी नामा तो मदनी काफिला कोर्स के लिए, दीगर कोर्सेज के लिए आते हैं, तो कुछ ही दिनों में मदनी जहन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतों पर अमल का जज्बा मिल जाता है। ऐसे इस्लाम भाई जिन्होंने बदल भी लिया अपने आप, बदल भी लिया अपने आप को, ऐसे भी हैं। ऐसे इस्लाम भाई जिन्होंने नियतें की और मदनी लिबास अपना लिया, लिबास बदल लिया। अगर बंदा बदलना है तो मुझे भी बदलना है, बदल दो आपकी निगाह से बदलेंगे इंशाल्लाह। ये दिल नहीं बदलता यार, इतना गंदा हो गया बस। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके हमारा दिल बदल दे। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़ुल मुमिनीन, तर्जमा कंज़ुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो ये समझाने का नतीजा था, आपके कुफले मदीना के अंदाज ने दिल खुश कर दिया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह हमको कुफले मदीना वाला रखे, क्योंकि आंखों की हिफाजत और जबान की हिफाजत ना की जाए ना तो जहन्नम का बहुत सारा अजाब जो है ना, ये अल्लाह ना करे मतलब हो सकता है। मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि 95% 95% गुनाह जबान से होते हैं। दिल को तोड़ने के लिए कोई बड़ा हथौड़ा नहीं लाना पड़ता, ये जबान से टूटता है। किसी को झाड़ दो दिल टूट जाएगा, किसी को तंज कर दो दिल टूट जाएगा, किसी का मजाक उड़ा लो दिल टूट जाएगा, है ना। जबान जो है ना वो दिल तोड़ती है, दिल आजारी करती है, दो मुसलमानों में फसाद करवाती है, घर के घर ये जबान उजाड़ कर रख देती है। और जो ज्यादा बोलता है माशरे में भी बाज़ों का वो दलील हो जाता है, लोग उसको देखकर कतराते हैं कि यार ये आया अब ये दो घंटे गए अपने आया शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे कि हमको जबान की कदर हो जाए और हकीकी मानों में कुफले मदीना मिल जाए तो बड़ी सआदत की बात है, कि बोलकर पछताने से ना बोलकर पछताना अच्छा है। सरबंद शरीफ की सुन्नत, मरहबा वाह मरहबा। तो दूसरे क्यों महरूम रहे, सबको कोशिश करनी है कि जब जब तेल लगाएं तो ये बांधना सुन्नत है कपड़ा। तो मैं तो मतलब आमतौर पर हर वक्त ही रखता हूँ, वो तेल लगाते वक्त वैसे भी तेल नहीं भी लगाया तो मेल फिर टोपी पे लगता है, टोपी जल्दी मेली होती है। अपना तो ऐसा हिसाब है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेल से क्या काम, हम लोग मेले हैं, दिल भी मेला है हमारा। तो बाहर शरीयत में लिखा है कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कपड़े को मेले कहना ये कुफ्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेल से क्या निस्बत, तो हमारे गुनाहों की स्याही है जो दामन मुस्तफा से लिपट जाती है। सरकार आला हज़रत का इसमें शेर है इस तरह का, कपड़े मैले नहीं उस गुल के रजा, फरियाद को आई है सियाही ये गुना। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक मेला नहीं है, ये तो हम गुनाहगारों की सियाही जो है ना ये लिपट गई है, जो मेल का समा बना रही है, हकीकत में मेले नहीं है ये। पापा ये भी नियत की थी कि आज इस सुन्नत पर अमल की नियत करेंगे और इंशाल्लाह अपना कर तो इस सारे सवाब आपकी बारगाह में दुरूद पाक के तहफ भी पेश किए इस्लामियों ने पढ़े हैं। तकब्बल अल्लाह माशाल्लाह। ये कि सरबंद शरीफ आपको अगर मुफ्त तोहफे में मिल जाए तो, मैं तो आपको चेक कर रहा था, आप ये बोलते हैं कि हम खरीदेंगे, ये क्या हुआ यार। सर तोहफे में देने से तजर्बा ये कि इतनी कदर नहीं होती, लिया रख लिया, और जो 20 रुपए जेब से निकलेंगे ना इसके इस्तेमाल का चांस ज्यादा है। ये रिसालों और किताबों का हल भी है कि जो खरीदेगा तो उसका चांस ज्यादा है कि वो पढ़े, और मुफ्त में मिल गया तो वो चूम के रख लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा भरोसा नहीं होता। तो खरीदेंगे तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि खरीदना ये नफ्स पर गिरा गुजरता है। तो इंशाअल्लाह आप खरीद कर बांधेंगे, ठीक है। मोहम्मद मुनीब अत्तारी, बाबुल मदीना, इलाकाई काफिला जिम्मेदार। बाबा जान सवाल ये है
کہ مدنی تربیتی کورس و مدنی انعامات و قافلہ کورس کرنے والوں کا وقت تقریباً مسجد میں گزرتا ہے، اس حوالے سے مسجد کے کچھ آداب بیان فرما دیں، کیونکہ بعض اوقات کپڑے تبدیل کر کے میلے کپڑے مسجد میں موجود بیگ میں رکھتے ہیں، کپڑے دھونے وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ واقعی اس طرح کے تو بہت مسائل ہوتے ہوں گے کہ مسجد میں بدبو پھیلتی ہوگی، پھر میلے کپڑے اگر رکھے ہوں گے دوسروں کو دیکھ کر گھن آئے گی، تو مسجد خوشبودار رکھیے، رسالہ سب کو پڑھنا چاہیے کہ مسجد کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے، نہ کپڑوں سے بدبو آئے نہ منہ سے بدبو آئے، یہ داڑھی میں بدبو ہو جاتی ہے، یہ بال باتیں کرنے میں تھوک جو ہے نا یہ اڑتا رہتا ہے، بیان کریں گے تو خاص کر زیادہ اڑے گا، نہ باتوں میں بھی اڑتا ہے، تو یہ تھوک بدبودار ہوتا ہے، کبھی آپ کو تجربہ کرنا ہو تو کر لیجیے، یہ سبھی کا ہوتا ہوگا بدبودار، تو اب یہ اڑتا ہے، اب اس پر تو ہمارا قابو ہے نہیں، لیکن بھی داڑھی میں رہے گا تو پھر غذا کے اجزاء بھی گرتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو تھوک والا پانی آتا ہے اندر میں، تو اس طرح یہ حصے جو ہے نا آپ یوں کر کے گھس کر یوں تھوڑا ہاتھ، پھر اپنا ہاتھ سونگیں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا اس کا، تو اس لیے وہ کھانے کے بعد دن میں مطلب یوں سمجھو کہ دو تین چار بار اللہ کرے یاد آ جائے نا، تو صابن سے کم از کم اتنا حصہ یہ صابن سے دھو لیا کرے، پورا منہ بھلے دھو لیں صابن سے، تو اس طرح بھی یہ نیت کریں میں مسجد میں جاتا ہوں تو بدبو نہ آئے مسجد میں، کہ اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو جب اڑتی ہے، تو کہ بدبو کو پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں، سبھی کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد میں خاص کر احتیاط کی ضرورت ہے، اسی طرح لوگوں میں جب بیٹھے ہیں تو لوگوں کو ایذا ہوتی ہے اس سے، تو اس لیے لوگوں میں جہاں بھی جائیں جب کبھی تو اس میں بدبو سے بچنا، پھر یہ کہ میلے کپڑے جو ہوتے ہیں تو اس سے بھی دوسروں کو گھن آتی ہے، اپنی شخصیت کا بھی اثر کم ہو جاتا ہے، میلے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی، اور صفائی جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے، وہ سنت ہے، صاف ستھرا رہنا یہ سنت ہے، تو اس لیے ہم کو اس سنت کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور داڑھی اور بالوں کا اکرام کرے، یہ بھی حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، تو یہی کہ اس کو دھوتا رہے، اس میں دھوئے تیل لگائے، تو یہ مطلب نفاست اور صفائی رہے، مسجد میں باتیں کرتے وقت بہت احتیاط کی جائے، کیونکہ دنیا کی باتیں مسجد میں 40 برس کے اعمال کو غارت کرتی ہیں، دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو، دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح گھاس کو چوپایا کھا جاتا ہے، چوپایا ویسے چار پاؤں والا چوپایا، تو جیسے کہ بکری ہے گائے ہے اس طرح کے جانور چار پاؤں والے عام طور پہ گھاس کھاتے ہیں، تو اس لیے مثال دی ہے کہ یہ دنیا کی باتیں مسجد میں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں کہ جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے، تو اپنی نیکیاں بچانی بھی ہیں، تو مسجد میں ادھر ادھر کی باتیں دنیا کی باتیں نہیں کرنی، جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تو یہ بھی ایک مفت کا ثواب ہے، کھانا پینا سونا یہ بھی اگر اعتکاف کی نیت پہلے سے تھی تو جائز ہو جائے گا، ورنہ پھر ناجائز، مسجد میں چلتے وقت آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، دمک جو پاؤں کی ہوتی یہ بھی نہ پیدا ہو، دوڑے بھی نہیں مسجد میں، دھول کچرا بالکل نہ کرے صفائی، بلکہ وہ تھیلی رکھیں جیب میں چھوٹی سی اس طرح کی، یا اس سے تھوڑی بڑی ہو تو کچھ ملے تو ڈال لے، اس میں بالوں کے گچھے وغیرہ چاروں طرف لڑکتے رہتے ہوں گے، تو اٹھا کر اس کو، کہ خادم ہی صفائی کرے گا یہ نہیں، جو مسلمان ہے سب کو چاہیے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھے، تو اگر شاپر نہیں ہے تو جیب میں یہ اسی طرح کی کوئی تھیلی پلاسٹک کی رکھ لیں، کہیں سے حاصل کر لیں، مگر یہ کہ دعوت اسلامی کے پیسوں سے نہ ہو،
क्योंकि इसका उर्फ इस पे नहीं है। सफाई तो शरीयत को मतलूब है, जितनी सफाई होगी अच्छा है। मेले कपड़े के हवाले से जो मदनी फूल, इस पर भी अगर मेले कपड़े बाहर से आता है बेग में अंदर है मस्जिद में निकालता नहीं है तब तो हर्ज नहीं है। अगर यूं मस्जिद में और मेले ऐसे हैं कि वो दूसरों के लिए घिन का बाइस हो, अगर हल्का फुल्का मेल लगा हुआ है बदबू भी नहीं आती तो हर्ज भी नहीं है। तो वैसे कपड़े मेले होते हैं, आज धुले हुए पहने तो वो थोड़े साफ है, दूसरे दिन थोड़ा मतलब इसकी तरकीब आउट होगी, तीसरे दिन ज्यादा आउट होगी, तो इससे तो बचना मुमकिन ही नहीं है ना। बस ये कि बाजों के कपड़े ज्यादा मेले यूं हो जाते होंगे कि वो एहतियात नहीं करते होंगे, जिधर आए लेट गए, जिधर आए टेक लगा लिया, जो चाहा उस चीज में हाथ डाल दिया। मैं खाने में आस्तीने चढ़ाता हूँ, बाद वक्त गिजाओं में आलूद हो जाती है आस्तीने, तो यूं बचत हो जाती है। तो इस तरह जो भी आलूदगी के मकामात हों, चीजें उठाने में एहतियात, एकदम वो बेदर्दी से चीजें उठाएंगे तो भी कपड़े मेले होंगे। संभल 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 के आदमी रखे तो चंद रोज सफाई से कपड़ों की तरकीब रह सकती है। अच्छा, बाजों को पसीना ज्यादा आता है, अब वो बदन से भी मेल निकलता है सर, वो कपड़ों को मेला करता है, इसका इलाज मुश्किल। सख्त गर्मियों में या गर्मियों में या वैसे ही बाजों को पसीने बेचारों को ज्यादा आते हैं, लेकिन बाजों की पसीने में बदबू ज्यादा होती है, दूसरों को आती है बदबू। ऐसों को मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत नहीं है बदबू दूर किए बगैर। अगर होती ही नहीं है दूर बदबू तो फिर मस्जिद में वो ना आए, जमात से नमाज के लिए भी मस्जिद में नहीं आ सकता, लेकिन आते हैं। बहुत शर्म की बात है ना उसके लिए, कोई बोलेगा चलो भाई मस्जिद में बयान फुला, तो ये आजमाइश उसको ठीक ठाक पड़ जाएगी, लेकिन मस्जिद में है गुना हाजिरी, इस सूरत में जबकि बदबू आ रही हो, ये जहन में रखना, जबकि बदबू आ रही हो। अगर बदबू ये जाहिल कर देता है, मिसाल के तौर पर गुस्ल करता है, नए कपड़े पहन लेता है तो बदबू नहीं आती, तो यूं कर ले, बॉडी स्प्रे आती है आजकल, ये लगाने से बदबू उड़ जाती है, बदबू पर ये खुशबू गालिब आ जाती है, तो अब आ सकता है, बदबू दूर करके आ सकता है, इसके बगैर नहीं। पांचों नमाजों के लिए भी बगैर गुस्ल के बदबू नहीं आती तो गुस्ल करे और नमाजों के लिए आए, कपड़े तब्दील किए बगैर बदबू नहीं आती तो कपड़े हर नमाज के लिए तब्दील करे, नहीं जो भी इसकी सूरत हो कि जिससे बदबू दूर हो जाती हो वो उसको करना होगा। है आजमाइश का इनकार नहीं है, लेकिन बहरहाल मसला जो है वो यही है। वह कपड़े धोना भी सीखना है, पहले नल खुलता होगा, फिर कपड़े उठाते होंगे, बैग में से निकालते होंगे, सेट करते होंगे उसको, जैसे कि वो एक किस्सा है मैंने बताया कि बड़े बड़े बत्ते जल रहे थे, खादिम आया तो पूछा ये क्या, मैंने जलाया, मुझे सफाई करनी थी, तो पहले से इतनी सारी बत्तियां, वो समझाने से भी नहीं समझते, इनको नहीं समझ आती कि कयामत में हिसाब देना है, बल्कि जो जाया किया उसका तो अजाब है हिसाब भी के साथ, और फिर मस्जिद का ये वक्फ का और लोगों के इस तरह अतियात का इस तरह बेदरेग मतलब इस्तेमाल हो रहा है, क्या किया जाए, कोई हल समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता कि कैसे इस कौम का जहन बनाया जाए। समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, सर हिलाते हैं, हाँ भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ोकात वो करते वही हैं जो इनकी आदत होती है। बहरहाल ये कि देखो ये मामला आखिरत का मेरी आपकी जात का नहीं है, मेरे जेब से एक पैसा भी नहीं जाता, मैं फिर भी दिल जलाता रहता हूँ, मेरे हिस्से में दिल जलाना ही आया है, मैं घूम फिर सकता नहीं। जब ये फैजान मदीना जेरे तामीर थी उस वक्त मैं आज़ाद था, तो जो हो सकता था हम करते थे, मैं बच्चे छोटे थे, हम लोग इशापर लेकर कचरे उठाते थे, दरिया बिछाते थे मिल के, और समय भी आ जाते थे जुमेरात को इज्तिमा के लिए, खासकर तैयारियां में हम भी हिस्सा लेते थे। आहिस्ता 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 मैं बिल्कुल दीवार के पीछे, हालात ने मुझे डाल दिया, वरना मैं एक बल्ब भी ना जलाने दूं, बिना जरूरत है 100 बल्ब जलाओ, जरूरत नहीं है तो 0 का बल्ब भी क्यों, वो भी लेता है बिजली, मेरी ये सोच हर एक की ये सोच में कहां से बनाऊं, क्योंकि फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा,
जो एक जर्रा भलाई लाएगा वो भी देखेगा, जो एक जर्रा बुराई लाएगा वो भी देखेगा। वो जर्रा बहुत छोटा होता है, एक कॉल के मुताबिक जर्रा, जैसे आप टार्च का शेड या कार जो रात को चलती है तो उसका शेड, या धूप खिड़की से आती है तो उसका शेड बनता है, उसमें जर्रे उड़ रहे होते हैं, बारीक बारीक गर्द उड़ रही होती है। तो ये एक जर्रा, ये मिसाल है, मतलब और भी इसके अकवाल है। तो जर्रा बहुत मामूली होता है, तो वो भी जो मामूली सी भलाई लाएगा, जिन्हें बहुत छोटी सी, वो भी देखेगा इसको, और जो बुराई लाएगा वो भी देखेगा। कयामत में मामला बहुत पेचीदा है, हमारा बनेगा क्या? तो पूरे पूरा हाथी गायब कर देते हम, जबकि वहां तो जर्रे जर्रे का हिसाब है। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है, ये फैजान मदीना ही के लिए नहीं है, अरे हर जगह जहां भी हो, चाहे फैजान मदीना हो, चाहे और कोई मस्जिद हो, चाहे आपका अपना घर क्यों ना हो, हर जगह फजूल जो जाया होती है वो चीज तो बचानी पड़ेगी। और ये उसूल समझ लें कि बिला सबब माल जाये करना ये हराम है। अब वो चाहे बिजली के जरिए हो, चाहे गिजा के जरिए हो, चाहे और किसी सामान के जरिए हो, हराम है जाया करना। तो यहां लाखों लाख के जाया होते हैं, पर वही नहीं होती। चार्जर के लिए लगाते हैं, हालांकि आम तौर पर मोबाइल फोन जो है ना, ये अगर बिल्कुल लो बैटरी होगी ना तो एक घंटे या सवा घंटे में 100% चार्ज हो जाता है, लेकिन 6-6 घंटे 10-10 घंटे ये लगा रहता होगा, पर वही नहीं, पता ही नहीं कब चार्ज होता है। कूड़ा होगी तो आप गौर करेंगे ना कि कितने फीसद हुआ, कितने फीसद बाकी है। अब वो मिसाल के तौर पर 92% हो गया, और अब ये कि आप रखा रहने देंगे तो भूल जाएंगे, तो इसी को निकाल दिया, फिर अंदर जो भी लगा रहता है वो भी निकाल लें, वो बिजली खाता है। फोन निकाल लेंगे, उसको लगा रहने देंगे, ऑन रखेंगे, ये बिजली चूस रहा होता है, ये सारा निकाल कर ऑफ कर दें, खलास नहीं करते। मस्जिदों में भी ये हाल, घरों में भी ये हाल होता होगा, दुकानों में भी ये हाल, पता ही नहीं कब चार्ज होता है, लगा कर रखते हैं, इसी पर बात कर रहे हैं, फिर लगा रहे थे, क्या करें अब यार। ये तो हालांकि बहुत कम बिजली लेता है, लेकिन बड़े बड़े बत्ते जलाते हैं, एसी चल रहे होते हैं, हालांकि एसी इस रमजान हाल की, मिलाद हाल की जरूरत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन जब है थोड़े साई भाई है, तो इस 7 एसी के बजाय रजा हॉल में इसको क्यों ना बिठाया जाए, क्योंकि वहां 1 एसी है। आइंदा के लिए जब भी कभी मौका हो ना, आप खुद गौर करने की आदत डालें कि कितने साई भाई होंगे। तो ये आप थोड़ा कुड़न वाले बने, अपने घरों में भी इसका ख्याल रखना है, कई कई बल्ब बिला जरूरत जल रहे होते हैं। हाँ, जहां जरूरत है, ये भी नहीं कहूंगा कि फुल अंधेरा करें, बच्चा चीख के जाग जाए, तो ये वहशत से बचाना ये जरूरत है। एसी के एक आध बल्ब जलता है ताकि कोई रात में उठे तो उसको घबराहट ना हो, तो यूं जरूरत का बेशक रहे, लेकिन बिना जरूरत ना हो। अब इस्तिंजा खाने में गए तो बल्ब जलता छोड़ के आ जाते हैं और जलता रहता है, हालांकि वहां हाजत नहीं होती इस्तिंजा खाने में, कि जो भी जाएगा वो ऑन कर लेगा। सहन में बाजू का जरूरत होती है, जबकि घर वालों की आमद और रफ्त होती है। हाँ, आमद और रफ्त नहीं है तो बुझा दे, दिन को जलते रहते बल्ब, हालांकि इतनी जरूरत नहीं होती। सीढ़ियों के बल्ब जलते रहते हैं, बाहर गलियों में जो लोग बल्ब लगाते हैं लोगों के चलने फिरने के लिए या किसी मकसद के लिए, तो वो मैंने देखा दिन को सूरज निकल आते हैं, देर तक धूप हो जाती है, नहीं बुझाते, कोई बुझाता कोई नहीं बुझाता, जल रहा होता। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, दुनिया भर में बुरी हालत है, फिर रोज बिजली भी तो जा ही रही है ना, कितना सताती है बिजली, हम लोग बहुत बिजली जाया करते हैं, क्या मस्जिदें, क्या दुकानें, क्या फैक्ट्रियां, क्या मकानात, क्या झुग्गियां, सब जगह बिजली बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से हो सकता है कि बिजली की तंगी होती है और लोड शेडिंग हो रही है, हाथों हाथ सजाएं मिल रही हैं हमको। तो मोबाइल चार्जर का जो बापा ने इरशाद फरमाया, तो इस पर मैं एक अर्ज कर दूं, उससे आपके काम आ जाए, कि ये बिजली का तो ज़िया है इसमें, लेकिन जिस बैटरी को
मुसलसल करंट मिलता रहेगा, वो बैटरी की उम्र भी खत्म हो जाती है। मेरी मिल्क में कोई फोन नहीं है, मुझे फोन मिलाना नहीं आता, दुनिया का एक भी फोन नंबर मुझे याद नहीं है, एक याद है मददगार पुलिस 15 नंबर। हाँ ये बोर्ड देखे याद हो गया मेरे को, कभी किया नहीं है मैंने, मुझे फोन मिलाना नहीं आता अलबत्ता। तो खैर ये चुटकुला ही हो गया कि एक तो याद है ना, ये अब मुझे वास्ता पड़ा ना थोड़ा इस तरह वो सोती पैगाम के जरिए, और तो ये लो और ये सब ये आप समझ पड़ी है मेरे को कि यूं मतलब इसमें लिखा होता है वो पर्सन, और ये भी थोड़ा ही वो तो टाइम हुआ है। तो आप देखो मेरी हसासियत देखें कि आप मुझे ऑटोमेटिक ये देख देख के समझ पड़ने लगी कि कितनी देर में चार्ज हो जाता है। आप लोग तो मेरा ख्याल है फोन लेकर मतलब कूदे होंगे दुनिया में। हाँ मतलब बच्चों के हाथ में, मैं एक बच्चा देखा था एक किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे, वो वेटिंग शायद कर रहे थे लोग वहां था, ये वो जो हवाई जहाज का शायद इंतजार करते वहां, तो वो मतलब एक छोटा सा बच्चा ठुमक ठुमक चल रहा था पूरा, इन्हें के वो स्मार्ट चाल भी नहीं थी उसकी, यू कंधे पे फोन रख के यू चल रहा था। अब अम्मी अब उठा लिया होगा तो यू जा रहा था, बच्चे बच्चे मोबाइल फोन, वो छोटे बच्चे यानी के 3 साल तक के बच्चों को तो देखा है कि मैंने ये कंप्यूटर पे मिला लेना, फोन पे कुछ ना कुछ निकाल लेना, ये देखा है, बोलना नहीं आता ये आता है, कुछ ना कुछ इसकी सिस्टम आते हैं, बल्कि शायद 3 से छोटों को भी देखा है मैंने, 3 साल से भी ये कर लेते हैं, इतनी इनको दिलचस्पी है। तो लेकिन देखो ना आप फोन लेके पैदा हुए, लेकिन सबको बल्कि अक्सरियत को ये पता नहीं हुआ कितनी देर में चार्ज होता है, तवज्जो शायद ना दियो, तो वही हसासियत नहीं है। कुड़न 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 शाह तो ये कोई कोई होता है बस, अगर कोई 150 कुड़न शाह दावत इस्लामी में पैदा हो जाए जिनमें इख्तियार हो, कुड़न शाह मिलेंगे एक से एक, लेकिन इनकी सुने कौन बिचारेगी, तो जाके बोलेंगे तो चल भाग भगा देंगे उसको, ये भी एक मुसीबत है। हाँ जिम्मेदारों में कुड़न शाही अगर दाखिल हो जाए ना भरपूर तरीके पर, तो निजाम पूरी दावत इस्लामी का बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह, इस तरह के हवालों से नुकसान वगैरह के हवाले से। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर सब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, सर सब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार।